Good afternoon, students. You all, I hope you all are fine. So today I explain chapter number 9, subject cases. आज हम लोग जो है chapter number 9, forest and wildlife resources, उसके बारे में जानेंगे. जंगल और जंगल में जो रहते जानवर हैं के बारे में जानेंगे. The existence, progress and development of independent resources. Forest को कैसे बचाना है और forest में जानवरों को कैसे रखना है, क्योंकि ये जो है हमारे एक इंडिया का जो है प्रॉपर्टी है और इसकी वजह से हमारा देश इतना खूबसूरत है. तो अगर यही ख़त्म हो जाएगा तो हम हमारे देश को कैसे सुंदर रख पाएंगे. तो अभी जो है हम लोग इसके बारे में जानेंगे. We have been fulfilling our needs by getting and from nature and early times. हम जानते हैं कि जो प्रकृति है पहले से प्राचीन काल से लेकर आज तक जो है हमारी जरूरत को यही पूरा करते हैं. ठीक है. A general meaning of forest is the accumulations of trees. इसका मेन मतलब होता है जंगल का एक जो बहुत खूबसूरत एक मेन जो मतलब होता है वो है पेड़ पौधे ट्रीज. स्क्रब्स और हर्ब्स ऑफ ग्रास नेचुरल वेजिटेशन. जो स्क्रब्स होते हैं जो हर्ब्स होते हैं ये सब जो होते हैं ये जो होता है ये नेचुरल वेजिटेशन तो प्रकृति के जो नेचुरल वेजिटेशन होते हैं वो. ओनली दैट वेजिटेशन इन द इंक्लूडेड विच वी अराइज नेचुरली. और ये जो वेजिटेशन है ये जुड़ा हुआ है ये ग्रो कर रहा है नेचुरली और इंसान को मदद भी करते हैं. दिस इज कॉल्ड वर्जिन वेजिटेशन. इसलिए इसको वर्जिन वेजिटेशन के नाम से जानते हैं. नाउ सच वेजिटेशन इंडिया इज अवेलेबल. कुछ ऐसे वेजिटेशन है जो इंडिया में अवेलेबल है. हिमालयस में, सुंदरबन डेल्टा में एंड रिमोट एरिया ऑफ द थर्ड डेजर्ट. थर्ड डेजर्ट के नंबर जो थर्ड के जो रन है वहाँ. तो पहले जो हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन हम लोग जान लेते हैं कि क्या है. फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन इज मेड अकॉर्डिंग डिफरेंट क्राइटेरिया. फॉरेस्ट को अलग अलग क्राइटेरिया से जो है डिवाइडेड किया गया है. यू हैव स्टडीड द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट ऑन द बेसिस क्लाइमेट एंड स्टैंडर्ड. आप लोगों ने क्लास 9 में जो है लास्ट में एकदम आप लोगों ने देखा था कि फॉरेस्ट को कैसे डिवाइडेड किया गया और कितने टाइप के होते हैं. सो वी विल नो अबाउट ट्रीज थ्री टाइप. हम जानते हैं कि तीन तरह के जो है फॉरेस्ट हैं. एडमिनिस्ट्रेशन, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. जो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन फॉरेस्ट कैसे होते हैं. रिजर्व फॉरेस्ट. सच फॉरेस्ट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट. जो जंगल गवर्नमेंट अंडर है डायरेक्टली गवर्नमेंट उसको हैंडल करते हैं. उसमें वुड कलेक्शन और जो भी पेस्टोरिंग होते हैं सब गवर्नमेंट के जरिए होते हैं तो वो फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट कहलाते हैं. सेकेंड आता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. दस फॉरेस्ट है लुक्ड आफ्टर बाय एडमिनिस्ट्रेशन. ये फॉरेस्ट जो है एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में देखा जाता है. जो लोकल लोग होते हैं वो यहाँ से जो है लकड़ी कलेक्ट करके ले जाते हैं एंड जो उसके घर में जो गेज देयर एनिमल्स जो घास खिलाने के लिए गाय का चारा खिलाने के लिए जो वहाँ पे आते हैं और जो कि ना कोई भी नुकसान और ट्री को नहीं पहुँच. अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट. अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट क्या होते हैं. दिस फॉरेस्ट आर स्टिल नॉट क्लासिफाइड. ये जो फॉरेस्ट है क्लासिफाइड नहीं होते. देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रीज फेलिंग एनिमल. यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है चाहे वो एनिमल घास खा जाए या ट्री गिर जाए के कट जाए. क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू ओनरशिप एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट. अब देखेंगे इसमें क्या होता है. इसमें जो द फैक्टर्स ऑफ इंडिया क्लासिफाइड इन थ्री टाइप्स. तीन तरह के जो है जंगल में भारतवर्ष में इसको किया. ओनरशिप एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट. एडमिनिस्ट्रेशन है और मैनेजमेंट.
स्टेट फॉरेस्ट, जनरल और स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल सच फॉरेस्ट। स्टेट फॉरेस्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है इसको कंट्रोल करते हैं। मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ द कंट्री फॉल अंडर दिस कैटेगरी। बहुत से ज़्यादा देशों में ऐसे कैटेगरी के फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। कम्युनल कम्युनिटी फॉरेस्ट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपलिटीज, कॉरपोरेशन, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ये जो होता है ये कंट्रोल करता है पूरे जंगल को, जो लोकल लोग होते हैं। प्राइवेट फॉरेस्ट, सच अ फॉरेस्ट इज बाय इंडियाज इंडिविजुअल्स। ये जो फॉरेस्ट होते हैं इंडिविजुअल्स होते हैं, ये दिखते नहीं हैं। सच फॉरेस्ट फाउंड मोर इन उड़ीसा, ये उड़ीसा, मेघालय, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और कुछ कुछ जो है हैपस कंडीशन में भी टोटली जो होते बैडन हो जाते हैं, दिखने को मिलते हैं। अब डिफॉरेस्टेशन क्या है? जंगल को काट के अगर हम लोग फिर से नए पेड़ पौधे लगाए तो उसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन मीन्स द डिफॉरेस्टेशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को नए तरीके से फिर से बनाना। दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री अलोंग बट इज वन द ग्लोबल प्रॉब्लम। ये सिर्फ हमारे देश में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में, मतलब पूरे दुनिया में ये प्रॉब्लम है। इट कैन बी सेट इज द रिजल्ट द प्रोग्रेस ऑफ मैन। इसलिए जो इंसान को इसमें प्रोग्रेस करनी चाहिए। ट्री हैज डिस्ट्रॉय नेचर, जो ट्री डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय खराब हो जाते हैं, प्रकृतिगत खराब हो जाते हैं। हाउएवर इट इज नेगलेबल कंपोस्ट लॉस्ट इन्फ्लिक्टेड बाय ह्यूमन। कोई कुछ कुछ होते हैं जो इंसानों के जरिए इसको नुकसान पहुंचा जाता है। जैसे मान लो कोई ऐसी जगह जो हम लोगों ने खरीदा है और वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, लेकिन उसमें हमको मल्टीपल प्लक्स बिल्डिंग बनानी है, कुछ हॉस्पिटल्स बनाने, कुछ तो हम ऑब्वियसली उसको काट देंगे, सड़क बना काट देंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये ह्यूमन इंटरफेरेंस भी होते हैं, इंसान का दखल अंदाजी। इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, द इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन वुड स्प्रेड, बहुत एकदम तेजी से फैल रहा है। द क्वालिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज इन द एटमोसफेयर, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसलिए बढ़ जा रहे हैं। आप लोग जानते हो पेड़ की वजह से हम लोग को ओटू जो है हम लोग उसको ब्रीथिंग के लिए लेते हैं। इनहेल और एक्सेल आप जानते हो, तो इनहेल ओटू और एक्सेल छोटे सी ओटू, तो CO2 जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो जा रहा है क्योंकि O2 का परिमाण जो होते हैं बढ़ जा रहा है। ये भी ग्लोबल प्रॉब्लम आ गए हैं, इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ गया है। विद द रिमोट फॉरेस्ट कवर्ड सॉयल क्राउडेड, द प्रॉब्लम ऑफ फार्म फर्टिलिटी डिक्रीज, जो फार्म के जो खातर रहते हैं, कभी कभी देखना नेचुरली जो खातर होते हैं, पेड़ के जो सीड्स होते हैं, पत्ते होते हैं, वो मतलब पिघल के एकदम डिस्ट्रॉय होके मिट्टी के साथ मिल जाती है। इसमें बहुत उपजाऊ हो जाते हैं जमीन, लेकिन पेड़ काटने की वजह से ये सब अब हो नहीं रहे, ये सब कुछ जो होता है कम हो गया है। इन द पेनिनसुलर इंडिया द फॉरेस्ट एरिया हैज डिक्रीज्ड लार्जली ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, इसलिए जो है फॉरेस्ट एरिया में बहुत ही कम हो गया पेनिनसुलर एरिया में, इसको डिफॉरेस्टेशन करना जरूरी है। मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म लॉस्ट देयर, इन लोग बहुत सारी चीज़ जो है खो जा रहा है। एज देयर रिजल्ट वाइल्ड एनिमल्स अप्रोच अर्बन सेटलमेंट एंड सीज फूड ऑफ एंड वाटर, इसलिए जो है अर्बन एरिया में लोग सेटल हो जा रहे एनिमल्स और फूड और वाटर के खाने के लिए और जो है पानी के लिए। मोर इंस्टेंसेस आर रिकॉर्डेड, कार्निवोरस एनिमल्स किलिंग द डोमेस्टिक एनिमल एंड शेपर्ड हू लिव इन द फॉरेस्ट, जो सेपर्ड्स रहते हैं फॉरेस्ट के नज़दीक, तो जो कार्निवोरस मतलब जो एनिमल्स सब कुछ खाते हैं, मांसाहारी होते हैं, वो डोमेस्टिक एनिमल्स को जाके मार के खा रहे हैं। क्या करेंगे, जंगल काट दोगे तो उसमें तो कुछ मिलने वाला नहीं है। रिमाइंडर्स फॉर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन को कैसे सुरक्षा करना है, फॉरेस्ट को संरक्षण इसके बारे में। रिसर्च शुड बी कैरिड आउट फाइंड द ऑप्शन ऑफ वुड, दिस विल रिड्यूस यूसेज ऑफ वुड and it is save the forest whatever they are not integrable development work for is necessity. Now trees of sense wises should be grown, there should be total ban the culting trees which are not grown fully. जो ऑप्शन है वुड का, जो हम लोग वुड ले आते हैं रिसर्च करके देखेंगे कि वुड के वजह से ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट को काटे,
तो हम ये काम कर सकते हैं, अगर हम लोग पेड़ काट रहे हो तो उसके बदले में हमको दूसरा पेड़ लगा देना चाहिए ताकि वो ग्रो हो सके, नए ट्री जो है वो ग्रो हो सके। दे शुड बी टोटल बैन कटिंग ऑन द विच आर नॉट गुड फॉर लीफ, या तो टोटली बंद कर दो कटवाना या तो नए जो है वो पेड़ लगाओ काटने के बाद, यही हो सकता है। दोज इंडस्ट्रीज विच रिसीव देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम द फॉरेस्ट शुड बी कम्प्लीटेड, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो हमको वहाँ से फॉरेस्ट से मिलते हैं। इंडस्ट्री के भी एफर्ट्स एंड फ्यूचर नीड्स अंडर द नेम ऑफ इको टूरिज्म, फॉरेस्ट कवर शुड नॉट बी डैमेज, शुड बी स्ट्रिक्टली कंट्रोल, इसलिए जो है स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना चाहिए कि कोई भी आके जब इसकी ज़रूरतमंद की चीज़ हो ले जाए। वुड्स पर पब्लिक अवेयरनेस शुड बी ऑर्गेनाइज अमंग द लोकल पीपल, और ऐसे एक लोकल पीपल में एक प्रोग्राम में ऐसा करना चाहिए ताकि जो फॉरेस्ट में कैसे संरक्षण किया जाए उसके बारे में पता चले। द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट इज कन्वर्सेस शुड बी सिलेबस इन स्कूल कॉलेज, फॉरेस्ट को कैसे बचाना है स्कूल कॉलेज में इसके सिलेबस होना चाहिए, जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं वैसे। दे शुड एक्सप्लेन नेसेसिटी फॉरेस्ट का, मतलब हम लोग जो है फॉरेस्ट को कैसे संरक्षण करें उसके विषय में बताएंगे। सोशल फॉरेस्ट्री एग्रो फॉरेस्ट्री शुड डेवलप टेकिंग प्लानेड स्टेप्स फॉर द नेसेसिटी ऑफ फोडर फायरवुड, गाय के खाने के लिए फायरवुड के लिए जो ले जाते हैं, ये जो सोशल फॉरेस्ट्री है इसको बंद करना चाहिए, बंद करना होगा। इस प्लेस ऑफ फायरवुड अल्टरनेटिव ऑप्शन लाइक सोलर एनर्जी, हम लोग जो है फायरवुड के बजाय सोलर एनर्जी नेचुरल गैस ये सब का इस्तेमाल कर सकते, अभी तो बहुत कुछ निकल गया है ऑप्शन में। फॉरेस्ट रिसोर्सेज शुड यूज स्प्रिंग, जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज है वो स्प्रिंग बहुत जल्दी से हो रहा है, प्रोसेस ग्रोथ फास्टर एंड हेल्थियर, इसमें जो है ग्रोथ बहुत जल्दी से होता है और हेल्दी भी होते हैं। इन्फेस्टेड शुड रिमूव फॉरेस्ट कॉजेस हैवी डैमेज, फॉरेस्ट जो डैमेज हो गया फॉरेस्ट उसको काट के उसको सुधार के उसको अच्छे से और भी मतलब जो जल गया उसको सब कुछ संभाल के उसको नया फॉरेस्ट को फिर से वहाँ पर रो सकता है। ड्यू टू इंक्रीज ट्रांसपोर्टेशन थाउजेंड पिलग्रिम्स इन रिजियस प्लेसेस फॉरेस्टेड अटेंड बांद्रा फायर्स परिक्रमा, जो सर्कुलर ट्रेवल होते हैं दैट टाइम, जो कभी कभी जो होते हैं इंसान जो होते हैं ट्रांसपोर्टेशन या ट्रेवल थाउजेंड ऑफ पिलग्रिमेज होते हैं, ऐसे ही हम लोग फॉरेस्ट दिखाने भी ले जा सकते हैं ताकि जो है हम फॉरेस्ट के बारे में जाने उसको समझे उसको बचाए। दैट टाइम द लिटिल शुड बी क्लियर प्रॉपरली अदरवाइज फॉरेस्ट इज पोल्यूटेड, और इसको क्लियर रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो फॉरेस्ट जो है पॉपुलेशन होगा। नीडियस शुड बी डेमोन्स्ट्रेटेड रिजर्व एंड एनिमल पास्चर, और इसको जो है एनिमल्स को बचाने के लिए फॉरेस्ट को बचाने के लिए ये जो है हमको करना ही पड़ेगा। तो बच्चों आज मैं आपको होमवर्क में रिमाइंड्स ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन के 9 पॉइंट लिखना है होमवर्क में, और उसके साथ साथ जो है आपको टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के अलग अलग क्लासिफिकेशन जो है मुझे लिख के होमवर्क में बताना है 2 times CW में। तो आज का जो लेक्चर है बेटा आज यहीं पे ख़त्म हो रहा है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके सेकेंड पार्ट के बारे में जानेंगे। सो टेक केयर योर सेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ, स्टे होम।